TCL ने परसों 18 जून को अपनी नई टीवी रेंज को लॉन्च किया, जिसमें 7 QLED और 5 4K टीवीज हैं। उन्होंने प्री बुकिंग ऑफर भी रखी एक फ्री साउंड बार की। तो कैसे हैं ये टीवीज? क्या आपको प्री बुकिंग ऑफर लेनी चाहिए या आपको सैमसंग फ्रेम, व्यू प्रीमियम या व्यू अल्ट्रा टीवी लेना चाहिए? ये सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको TCL की नई टीवी रेंज के बारे में वो बातें बताऊंगा जो शायद आपको कोई और ना बता पाए। इससे पहले कि मैं आपको टीवीज के बारे में बताऊं, मैं आपको ये भी बता दूं कि TCL की वेबसाइट पे इन टीवीज की जो डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस लिखी है वो मोस्टली गलत है। मेरे मांगने पे TCL ने मुझे स्पेसिफिकेशंस की बजाय एक प्रेस रिलीज दे दिया जो उन्होंने सभी रिव्यूअर्स को भेजा था, और उसमें लिखी है TCL के टीवीज की तारीफ। लेकिन TCL को शायद ये नहीं पता कि आई डोंट डांस ऑन एनीवनस ट्यून, फिर चाहे वो मुझे ट्विटर से ब्लॉक ही क्यों ना कर दें। तो क्यों जरूरी है आपके लिए डिटेल स्पेसिफिकेशन को जानना? आप मार्केटिंग वीडियोस से भी तो टीवी को खरीद सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि आप बिना स्पेसिफिकेशंस जाने हुए सिर्फ एप्पल आईफोन SE 2020 के मार्केटिंग वीडियो को देख के क्या उस फोन को खरीद लेंगे? सबसे पहले बार TCL के X915 टीवी की, ये टीवी सिर्फ 75 इंच साइज के अंदर आता है। इसके अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन, मेटल की बॉडी और एक मेटल का ही बेस स्टैंड साथ में मिलेगा। इस टीवी के अंदर आपको 8K अल्ट्रा HD 7680x4320 का रेजोल्यूशन तो मिलता है, लेकिन रिफ्रेश रेट 60Hz या 120Hz पता नहीं। इसमें आपको एक QLED पैनल मिलता है विद 8K HDR, HDR10, HDR10+, HLG और Dolby Vision के सपोर्ट के साथ, और ये टीवी दिखा सकता है 33 million pixel। ये तो हमें प्रेजेंटेशन में ही पता चल गया था, लेकिन किस पैनल के साथ, 8-bit, 10-bit या 12-bit पता नहीं। ये पैनल D-LED है या E-LED, इसकी ब्राइटनेस लेवल कितनी है और इसकी कंट्रास्ट रेशियो क्या है पता नहीं। इस टीवी के अंदर आपको वाइट कलर गैमेट मिलेगा, MEMC टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, लेकिन 60Hz या 120Hz पे सपोर्ट करने वाली पता नहीं। इस टीवी के अंदर आपको लोकल डिमिंग या माइक्रो डिमिंग मिलेगी या नहीं पता नहीं। इस टीवी के अंदर आपको IMAX एनहांस सर्टिफिकेशन और DTS की सर्टिफिकेशन भी मिलती है, विच इज वेरी गुड। इस टीवी के अंदर आपको एक पॉपअप कैमरा भी मिलता है, लेकिन कितने मेगापिक्सल का पता नहीं। ये टीवी AI इंटरकनेक्शन फीचर्स के साथ आता है। ये वही फीचर्स हैं जो हमें एक साल पहले से TCL C8 के अंदर भी मिलते थे। इतना महंगा टीवी Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स और Chromecast built-in के साथ आता है, विच इज वेरी गुड। बट क्या ये Android OS अपग्रेड होगा या नहीं पता नहीं। इस टीवी के अंदर आपको Cortex का A55 CPU और Dvalin का 800 MHz का कौन सा GPU मिलता है पता नहीं। कम से कम एक चीज पता है जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बताई गई थी, कि 4GB की रैम और 32GB की स्टोरेज के साथ ये टीवी आता है, और इसके अंदर लगभग आपको मिलेगी 25GB की फ्री स्पेस। 30W के वूफर्स और 20W के ट्वीटर्स बनाते हैं एक्सटर्नल ओंक्यो की साउंड बार के टोटल आउटपुट को 50W का, जो कि DTS वर्चुअल X, Dolby डिजिटल MS12 और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये टीवी आपको कपिल शर्मा शो और न्यूज चैनल के भी ब्रॉडकास्ट को Dolby Atmos की साउंड में दिखाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जो वीडियोस और मूवीज Dolby Atmosphere यानी Atmos के अंदर रिकॉर्ड होते हैं वही आउटपुट दे पाएंगे Dolby Atmos का। और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ये टीवी Dolby Atmos सपोर्ट करता है या ये साउंड बार। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि ये टीवी Netflix से Dolby Atmos को डीकोड कर पाता है या नहीं, और अगर कर पाया तो ये वर्ल्ड का थर्ड डिवाइस होगा Nvidia Shield Amazon Fire Stick 4K के बाद जो Netflix से Dolby Atmos को डीकोड कर पाएगा। द गुड न्यूज इज कि ये टीवी HDMI 2.1, HDMI 2.0 और HDMI 1.4 के साथ आता है। इसके अंदर आपको दो USB भी मिलती हैं, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट भी मिलता है और हेडफोन जैक भी मिलता है,
ये टीवी आता है ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट के साथ और इस टीवी के अंदर आपको मिलेगी डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। ये टीवी कॉस्ट करता है 3 लाख रुपीज, विच इज अ वेरी गुड प्राइस अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस अच्छी हुई तो। अब हम बात करते हैं C815 के बारे में। ये मॉडल अवेलेबल है 3 साइजेस के अंदर, 75 इंचेस, 65 इंचेस और 55 इंचेस। तीनों ही टीवीज के अंदर आपको बहुत थिन बेजल्स, मेटल की बॉडी और एक मेटल का स्टैंड देखने को मिलेगा। तीनों ही टीवीज आते हैं 4K अल्ट्रा HD 3814x2160 के रेजोल्यूशन और 120Hz या 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। 65 इंच और 75 इंच के अंदर आपको 120Hz मिलेगा और 55 इंच के अंदर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। ये टीवीज HDR10 को सपोर्ट करते हैं और Dolby Vision को सपोर्ट करते हैं, लेकिन HLG सपोर्ट है या नहीं पता नहीं। कंट्रास्ट रेशो क्या है पता नहीं। 120Hz की MEMC 75 इंचेस और 65 इंचेस के साइजेस के अंदर अवेलेबल है, ये तो हमें प्रेजेंटेशन से ही पता चल गया था, लेकिन 55 इंचेस के अंदर MEMC अवेलेबल है या नहीं पता नहीं। ये टीवीज आते हैं वाइट कलर गैमेट सपोर्ट के साथ, लेकिन इसमें लोकल या माइक्रो डिमिंग है या नहीं पता नहीं। एंड्रॉयड 9 और बिल्ट इन क्रोमकास्ट कंफर्म्ड है, लेकिन अपग्रेड CPU और GPU, RAM और स्टोरेज पता नहीं। इस टीवी के 75 इंचेस और 65 इंचेस मॉडल के अंदर आपको 30 वॉट की ओंक्यो की बिल्ट इन साउंड बार मिलती है और टीवी के पीछे आपको 20 वॉट का सबवूफर मिलता है जो टोटल साउंड आउटपुट को बनाता है 50 वॉट का और जो सपोर्ट करता है DTS वर्चुअल X, Dolby डिजिटल MS12 और Dolby Atmos को। लेकिन 55 इंचेस के मॉडल के अंदर साउंड आउटपुट और साउंड टेक्नोलॉजीज क्या होंगी पता नहीं। इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI, 2 USB, 1 ऑप्टिकल पोर्ट और 1 हेडफोन जैक मिलता है और ये टीवी आता है ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट के साथ और इस टीवी के अंदर भी आपको मिलेगी डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन, लेकिन HDMI कौन से वर्जन्स की है पता नहीं। C815 का 75 इंच मॉडल कॉस्ट करता है 1.5 लाख, 65 इंच कॉस्ट करता है 1 लाख और 55 इंच कॉस्ट करता है 70,000। अकॉर्डिंग टू मी 75 और 65 बहुत अच्छी तरह प्राइस करे गए हैं और अगर इनके स्पेक्स अच्छे हुए तो दे आर वर्थ बाइंग, लेकिन 55 इंच नॉट एट ऑल। अब बात करते हैं C715 के बारे में। ये मॉडल आता है 3 साइजेस में, 65, 55 और 50 इंचेस। तीनों ही टीवीज के अंदर आपको बहुत थिन बेजल, मेटल की बॉडी और एक मेटल का बेस स्टैंड देखने को मिलेगा। ये टीवीज आते हैं 4K अल्ट्रा HD 3814x2160 के रेजोल्यूशन और 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। इन QLED टीवीज के अंदर 10 या 8 बिट पैनल यूज हुए हैं पता नहीं, इनकी कंट्रास्ट रेशो क्या है पता नहीं और इनकी पीक ब्राइटनेस क्या है। ये तो कंफर्म है कि C715 सीरीज के अंदर MEMC सपोर्ट नहीं है और उससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि इसमें लोकल डिमिंग नहीं होगी, लेकिन माइक्रो डिमिंग है कि नहीं, वाइट कलर गैमेट है कि नहीं नहीं पता। ये टीवीज भी आते हैं एंड्रॉयड 9 आउट ऑफ द बॉक्स विद बिल्ट इन क्रोमकास्ट, लेकिन CPU, GPU, RAM, स्टोरेज कुछ नहीं पता। सभी टीवीज के अंदर पोर्ट सेम है, 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, 1 ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट, 1 हेडफोन जैक। सभी टीवीज सपोर्ट करते हैं ब्लूटूथ 5.0 को और सभी के अंदर आपको मिलेगी डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। C715 के 65 इंच, 55 इंच और 50 इंच मॉडल्स कॉस्ट करते हैं 80,000, 56,000 और 46,000 और इनमें एक प्री बुकिंग ऑफर भी है, एक फ्री साउंड बार। अगर आपको इन स्पेसिफिकेशन से सेटिस्फैक्शन है तो प्लीज प्री बुक करें। ये सभी QLED मॉडल्स थे और कुछ इसी तरह की कहानी 4K मॉडल्स P175 की भी है जिसमें कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं बताई गई हैं। अब एक मैसेज TCL के लिए। डियर TCL, मुझे आपसे कोई फ्री रिव्यू यूनिट नहीं चाहिए और ना ही कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए, मुझे सिर्फ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस चाहिए जो वैसे भी आपको पब्लिक डोमेन यानी अपनी वेबसाइट पर डालनी ही होती हैं।
आप मुझे बताइए कि आप बिना स्पेसिफिकेशंस के कोई भी टीवी या कोई और प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कारण बताइए कमेंट्स में, और अगर नहीं तो वो भी बताइए मुझे कमेंट्स में, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा भी और उनके जवाब भी दूंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि सबको समझ में आए कि स्पेसिफिकेशंस जानना किसी भी प्रोडक्ट की बहुत जरूरी होता है। इन टीवीज की डिटेल स्पेसिफिकेशंस मिलते ही मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि ये टीवीज खरीदने लायक हैं या नहीं। लेकिन तब तक इन टीवी से ज्यादा अच्छे सैमसंग फ्रेम, व्यू प्रीमियम और व्यू अल्ट्रा टीवी ही होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं बहुत ही जल्दी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।